नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, डेली एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस सीरीज के 17वें भाग को कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुल 16 पार्ट कवर किए, ये 17वां भाग है। ऑब्वियस है, आप इसे अच्छे से तैयार करें, साथ ही इससे पहले कि जितने भी वीडियो हैं आप उसे एक बार रिवाइज जरूर करें। आइए देखते हैं, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है या जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? EEG, ये इस साल BPSC में पूछा गया था। और हृदय के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और मस्तिष्क के लिए EEG। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल द्रव के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम से भी जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। लार में पाया जाता है टाइलिन, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है EEG के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी में पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में पात्र में निषेचन और गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला सवाल देखते हैं, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। कई दफा पूछा गया है यह क्वेश्चन कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पाइराइट को झूठा सोना कहा जाता है, आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइट को झूठा सोना कहा जाता है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, संयोजी ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। मनुष्य के मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है EEG। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लाल द्रव के नाम से जाना जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि पात्र में निषेचन और गर्भाशय में प्रतिरोपण, लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं कहाँ पर, अग्नाशय में, झूठा सोना किसे कहते हैं, आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइट को, और कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, तो संयोजी ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। आगे बढ़ते हैं, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? धमनी, जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है उसे धमनी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, शैवाल, यीस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो शैवाल, यीस्ट, अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। शैवाल, यीस्ट, अमीबा में किस प्रकार विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की दूरी मापने में किस इकाई का प्रयोग होता है या समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है, नॉटिकल मील। हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी है उसे धमनी कहते हैं। शैवाल, यीस्ट, अमीबा में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है और समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। लगातार आप वीडियो को 2-3 बार देखें, सारे प्रश्न तत्काल ही याद हो जाते हैं। आइए देखते हैं, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो यह अप्सरा है, कई दफा पूछा गया है ये क्वेश्चन। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था केपलर ने। केपलर ने क्या प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण यह साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई पड़ता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पर निर्भर करती है।
हृदय से शरीर को ले जाने वाली धमनी शैवाल ईस्ट अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा है। ग्रहों की गति का नियम दिया था कैपलर ने। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्था एवं माध्यम के घनत्व पर। अगला सवाल देखते हैं, कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण उत्सर्जित होता है? तो कोबाल्ट 60 से गामा किरण का उत्सर्जन होता है। कोबाल्ट 60 से गामा किरण का उत्सर्जन होता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो जब पेट्रोल प्लस एल्कोहल को मिलाते हैं तो गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल पेट्रोल एवं एल्कोहल। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? H5N1। ध्यान रखें, कई दफ़ा यह क्वेश्चन पूछा गया है। H5N1 से बर्ड फ्लू फैलता है, H5N1। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं एल्कोहल का। कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण उत्सर्जित होता है? गामा किरण। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पर। अगला सवाल देखते हैं, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो एक शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। एक शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तेल द्वीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? द्वीप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? तेल ऊपर चढ़ता है तभी तो ये जलता है। तो केशिकत्व के कारण तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, इसका कारण है केशिकत्व। दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अभी जस्ट ही याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप इसे एक दो बार ज़रूर देखें, और इसे देखने के बाद इससे पहले की वीडियो जो आपने पढ़ा है उसे भी तत्काल रिवाइज करें। यह एक रिवीजन सीरीज है।